गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो दिस इज योर मैथ्स पीरियड. टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक, योर मैथ्स बुक एंड योर स्टेशनरी. नाउ ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन टुडेज डेट 20th of October 2020. Then write down classwork and write down exercise 4B. Done. Now note down question number 4. Subtract 1 of question number 4. 1 minus 6 upon 7. 1 minus 6 upon 7. So 1 upon 1 के denominator में क्या है? कुछ नहीं. सो वील कंसिडर इट एज 1 माइनस 6 बाय 7. ओके, नाउ दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. नाउ टेक एलसीएम ऑफ 1 एंड 7. सो एलसीएम ऑफ 1 एंड 7 is equals to 7. Now 1 upon 1 minus 6 upon 7. Now denominator को 7 बनाने के लिए 1 के table में 7 कब आता है? 1 7s are 7. So denominator में 7 से multiply, so numerator में भी we'll multiply it by 7. Now 7 को 7 बनाने के लिए multiply by 1. Denominator में किया तो numerator में भी 1 से multiply. Now 1 7s are 7 upon 1 7s are 7 minus 6 1s are 6 upon 7 1s are 7. Now denominator are same, so we'll subtract the numerator. 7 minus 6. So 7 minus 6 is equal to 1 upon 7. So this is the answer. Complete the question. Done. Now copy down part C of question number 4. Part C. 10 minus 4, 5 upon 8. So 10 upon denominator में कुछ भी नहीं है, so we'll consider it as 1 minus. This is in mixed fraction, so firstly we'll change it. So 8 4s are 32. So 32 plus 5, 37 upon 8. So now take LCM. This is numerator and this is denominator. Now take LCM of 1 and 8. So LCM is equals to 1 into 8 is equals to 8. LCM of 1 and 8 is 8. Now 10 upon 1 minus
37 अपॉन 8। सो डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 को, 1 8 जार 8। सो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 8 को 8 बनाने के लिए 1 से। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 10 8 जार 80 अपॉन 1 8 जार 8 माइनस 37 1 जार 37 अपॉन 8 1 जार 8। नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, सो वील सिंपली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर। 80 माइनस 37, सो 80 माइनस 37 सब्ट्रैक्ट इन रफ इज इक्वल टू 43 अपॉन 8। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 43 अपॉन 8 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो नाउ टेक अ रफ पेपर और रफ नोटबुक एंड डिवाइड 43 बाय 8। सो 8 5 जार 40, सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 43, रिमाइंडर इज 3। सो क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सो 5 3 अपॉन 8। सो आंसर विल बी 5 3 अपॉन 8। ओके, कंप्लीट द क्वेश्चन। नाउ कॉपी डाउन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई नाउ नोट डाउन पार्ट ए, 5 1 बाय 4 प्लस 1 2 बाय 5 माइनस 2 7 बाय 8। सो दिस इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, फर्स्टली वी हैव टू चेंज दिस। सो 4 5 जार 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 4 प्लस 5 1 जार 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7, सो 7 अपॉन 5। देन 8 2 जार 16, 16 प्लस 7 23, सो 23 अपॉन 8। नाउ डिनोमिनेटर्स आर 4 5 एंड 8, सो वील टेक एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 8। 4 5 8, सो 2 2 जार 4, 5 as it is, 2 4 जार 8। नाउ 2 1 जार 2, 5 as it is, 2 2 जार 4। नाउ 2 1 5 as it is 1। नाउ 5 1 जार 5, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 5। सो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 एंड 8 5 जार 40, सो एलसीएम इज 40। नाउ 21 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 5 माइनस, करेक्ट इट, दिस इज माइनस 23 अपॉन 8। नाउ टू मेक 40 वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 बाय 10, 4 10s are 40, सो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई। नाउ 5 को 40 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 8s are 40, सो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई। एंड 8 को 40 बनाने के लिए 8 5s are
40. सो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई. नाउ 21 इंटू 10 मल्टीप्लाई इन रफ. 21 इंटू 10 210 अपॉन 40 प्लस 7 8s आर 56, 5 8s आर 40 माइनस 23 इंटू 5. सो 23 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3s आर 15, 5 2s आर 10 11. सो 115 अपॉन 40. नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, 40. सो 210 प्लस 56 माइनस 115. नाउ फर्स्टली वील एड दीज टू नंबर्स 210 एंड 56, देन वील सब्ट्रैक्ट 115 फ्रॉम देयर सम. सो 210 प्लस 56, 210 प्लस 56, 6, 5 प्लस 1, 7 एंड 2. सो 210 प्लस 56, 6, 5 प्लस 1, 6 एंड 2 एज इट इज. सो 266 माइनस 115 अपॉन 40. नाउ वील सब्ट्रैक्ट 115 फ्रॉम 266. सो 266 माइनस 115, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 1 5 एंड 2 माइनस 1 1. सो 151. सो 151 अपॉन 40. नाउ टू चेंज इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, डिवाइड 151 बाय 40. सो 40 थ्रीज आर 120. सब्ट्रैक्ट इट. 1 माइनस 0 1, 5 माइनस 2 3 एंड 1 माइनस 1 0. सो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर विच मीन्स 331 अपॉन 40. 331 अपॉन 40 इज द राइट आंसर. ओके कंप्लीट द क्वेश्चन. After this, note down part B from same question. So, 4 3 upon 5 plus 9 1 upon 3 minus 4 5 upon 6. Firstly, change it. 5 4s are 20, 20 plus 3, 23 upon 5 plus 3 9s are 27, 27 plus 8, 28 upon 3 minus 6 4s are 24, 24 plus 5, 29 upon 6. Now 5, 3 and 6 are the denominators, so we'll take LCM of 5, 3 and 6. 5, 3, 6. So 3, 5 as it is, 1s are 3, 2s are 6. Now 2, 5 as it is, 1 as it is, 2 1s are 2. And lastly, 5 1s are 5, 1 as it is, 1 as it is. So LCM is equal to 3 into 2 into 5. So 3 2s are 6 and 6 5s are 30. So LCM is 30. Now 23 upon 5 plus 28 upon 3 minus 29 upon 6. Now to make 5 30,
हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 5 6 आर 30, सो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई। नाउ 3 को 30 बनाने के लिए 3 10 आर 30, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई एंड 6 5 आर 30, सो सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई। नाउ 23 इंटू 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, सो 138 अपॉन 30 प्लस 28 इंटू 10, 0 8 जा 0, 0 2 जा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 8 जा 8 एंड 1 2 जा 2, सो 280 अपॉन 3 10 जा 30 माइनस 29 इंटू 5, 5 9 जार 45 एंड 5 2 जार 10, 10 प्लस 4 14, सो 145 अपॉन 6 5 जार 30। नाउ डिनोमिनेटर आर सेम, सो वील सिंपली सब्ट्रैक्ट और एड द न्यूमरेटर्स। 138 प्लस 280 माइनस 145। सो फर्स्टली चिल्ड्रन वील एड बोथ द नंबर्स 138 एंड 280, देन सब्ट्रैक्ट 145 फ्रॉम देयर सम। सो फर्स्टली एड 138 एंड 280, 138 एंड 280, 8 8 9 10 11 2 3 4, सो 418 माइनस 145, 145 अपॉन 30, ओके। नाउ सब्ट्रैक्ट 145 फ्रॉम 418, सो 8 माइनस 5 3, we cannot subtract 4 from 1, so we'll take one borrow from this 4, which makes this one 11 and this 4 will become 3, so 11 minus 4 is equal to 7 and 3 minus 1 is equals to 2, so 273 upon 30. Now we'll divide both the numbers by 3, so 3 9s are 27, 3 1s are 3 and 3 10s are 30. So this is 91 upon 10. But now we have to convert it into mixed fraction. So we'll divide 91 by 10. So 10 9s are 90. Subtract karke kya bacha hai? 1. So quotient remainder upon divisor, which means 9 1 by 10. So the answer is 9 1 by 10. This is the correct answer. Complete the question. Done. Now children, mark your homework, open your book and come to page number 59. Today we have done two questions, question number 4 and question number 5. So in question number 4, part B and part D are your homework. And in question number 5, part C is your homework. So there are three questions today for your homework. In question 4, part B and part D, and in question number 5 only part C you have to do as your homework in your classwork notebook. Okay, so that's all for today's class. Thank you so much class 5. Take care. Bye bye.